जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तबीयत ठीक नहीं रहती तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। और हाँ, मुझे ना कल की वीडियो में, कल की क्या, तीन चार पिछले तीन चार दिन की वीडियो से एक ही बात कह रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि आप अपने लिपस्टिक का कलर चेंज कर दीजिए, आपके पास दूसरी नहीं है क्या, दूसरी क्यों नहीं लगाती हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ ना, मेरा सर चकरा रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है चुप बैठ जाऊँ चुप होकर। तो मेरे पास ना लिपस्टिक है, तीन चार और हैं, लेकिन इसको ना मैंने डेली लगाने के लिए निकाल के रखा है। जो मेरे पास है ना तीन चार, वो मुझे बहुत पसंद है तो उसको मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ कि ख़त्म हो जाएंगी इसलिए। और जब मेकअप की वीडियो बनाती हूँ तो उसमें लगाती हूँ, और रोज़ लगाने के लिए मैंने इसको निकाल रखा है, लेकिन अब बदल बदल के लगाऊंगी। आप लोग मुझे कई दिनों से टोक रहे हैं इसीलिए। तो देखिए, अभी है सुबह सुबह का समय और बाप बेटे दोनों बैठे हैं सुबह सुबह नीम के पेड़ के नीचे। चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है ना, सुबह सुबह का समय ना बहुत अच्छा लगता है। और घर के बाहर पेड़ों के नीचे बैठो, जहाँ पे बिल्कुल शांति होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दोनों बाप बेटे ना नाखून काट रहे हैं अपना। देखिए बाबू को, देखिए अभी ना थोड़ा थोड़ा ये खड़े होने की कोशिश करने लगे हैं, जैसे कि अभी ये माही ना पकड़ा दी है इसको, तो ये पकड़ के आराम से खड़े हैं। अगर हम लोग के पास रहते हैं ना, जैसे ले के बैठ जाओ तो बस इनको खड़ा होना है, बैठना नहीं है। जब बैठ नहीं पाते थे तो इनको बैठना था, अभी बैठने लगे हैं तो खड़ा होना है इनको। जब किसी के पास बैठे रहते हैं ना, जैसे इनको बगल में बिठा लो या फिर ऊपर बिठा लो, तो बैठना नहीं है एकदम से ना। ये थका डालते हैं मुझे पूरा दिन, मेरे ना हालत ख़राब कर देते हैं पूरा दिन। और देखिए बंदर कैसे चाची के छत पर चढ़ के देख रहा है, सारे बच्चे ना बंदर को देख कर चहेट रहे हैं गाँव में। तो ये देखिए, आज घर में बन रही है पनीर और पुलाव। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और उधर मैंने मटर को धो करके फिर से रख दिया है पानी में उबलने के लिए, इससे जल्दी होगा। तो अभी पीसना है मसाला, मैं मसाला पीस लेती हूँ। तो तेल इधर हो गया है, इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, और प्याज को भी मैंने पीस के रख लिया है, तो उसको भी जीरा डालने के बाद डाल दूंगी। और इसको ना अच्छे से भूनूंगी मैं, जब तक इसका कलर नहीं बदल जाएगा ना। देखिए अभी मैंने डाल दिया है एक चम्मच धनिया पाउडर। वैसे इसमें डालने के लिए जो पनीर मसाला होता है ना, वो मैंने अलग से मंगाया है। एक चम्मच मैंने धनिया भी डाल दिया है, जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा सा बदल जाए। और दो हरी मिर्च कटी हुई मैंने डाल दी है। और अब डाल दे रही हूँ मैं टमाटर, जो मैंने पीस करके पहले से रखे थे सिलबट्टे पे। टमाटर अलग मैंने पीस के रखा था, और प्याज को अलग पीस के रखा था, लहसुन अदरक अलग से पीस के रखा था मैंने। तो अभी मैं डाल दे रही हूँ लहसुन और अदरक, और जब प्याज अच्छे से हो जाए फिर टमाटर को अच्छे से पकाना है। टमाटर का रंग बदल जाए तो लहसुन और अदरक जो डाल देना है आपको। इन सबको भूनने में ना बहुत टाइम लगा है, लेकिन मैं ना वीडियो आप सभी को थोड़ी थोड़ी सी दिखा रही हूँ, नहीं तो पूरा दिखाती तो
पूरी वीडियो कम पड़ जाती इस रेसिपी को दिखाने के लिए। और मटर कल ही आ गई थी ये शाम को, तो इसको ना मैं धो करके मटर को दो पानी से, फिर एक पानी इसमें डाल के गैस पे मैंने रख दिया था भगोने में कि ये खौल जाए। खौलने से क्या हुआ है, मटर भी हो गया है और हमारे पास उबला पानी भी हो गया है। तो वही वाला पानी मैंने डाल दिया मटर पनीर में, ये देखिए। और मटर को तो डालनी है इसमें, तो इसीलिए मैंने मटर थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डाल दिया है। और इसको अच्छे से उबलने देना है, मतलब पकने के लिए छोड़ देना है। तो मैंने इसमें डाल दिया है नमक, कश्मीरी लाल वाली मिर्ची है ये, और ये है तीखी वाली मिर्ची, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाला है, नहीं तो तीखा हो जाएगा तो फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे इसीलिए। और देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये पनीर वाला मसाला है। पहले उन सब मसालों को अच्छे से मैंने भून लिया था, मतलब पानी में डाल के जब पक गया अच्छे से तब मैंने लास्ट में पनीर मसाला डाला है, पहले नहीं डाला है। और इधर पनीर को भी हम कट कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और इन सबको भी अब मैं डाल दूंगी इसमें। ये देखिए कितनी देर तक ये हुआ है, तो इसे ना पता चल जाता है, इसका ना चेंज होता कलर चेंज हो जाता है ना इसलिए। तो बहुत देर तक मैंने इसको खोलते दिया है, पानी को ढक दिया था, और पनीर को भी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी मैं इसको 5 या 7 मिनट ऐसे ही गैस पे रहने दूंगी, गैस स्लो करके ढक दूंगी और फिर इसको उतार लूँगी। तो गैस को मैंने स्लो कर दिया है, तो देखिए हमारा बन गया है पुलाव वाला चावल, पनीर और रोटी। मैंने सोचा था पुलाव बनाऊंगी छौंक करके, पर नहीं बनाई। देखिए माही आज क्या मंगवाई थी, क्या है माही? है? नारियल पानी। नारियल पानी कितने सालों से मंगवा रही थी? बहुत सारे, हमको नहीं पता। बहुत दिन हो गए कम से कम 1-1.5 सालों से ये मंगवा रही थी इसको। जब मंगवाते मंगवाते ठंडी का दिन आ जाए तो हम लोग फुसला दिया करते थे कि अभी ठंडी का दिन आ गया, मुस्कान करेगा बिटिया मत पियो, और फिर गर्मी का दिन आ गया तो कहती जब हम मर जाएंगे तब आएगा ये जब माई मर जाएगी तब नारियल पानी लाओगी तुम लोग, ऐसा बोल रही थी। तो ये देखिए आज नारियल पानी पी ली हो, अब तो नहीं मरोगी अब जी जाओगी ना तो मेरी माई अब जी जाएगी, नारियल पानी दोनों बहन मिलकर पी ली है। बाबू बातें कर लो सबसे, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो शिवा? सबसे बातें छाते कर लो, थोड़ा सा बातें कर लो शिवा। आ गिर जाएगा, गिर जाएगा शिवा, गिर जाएगा शिवा। आ आ आ आ तो इसी के साथ मिलती हूँ आप सभी को अपनी कल की वीडियो में। और जो वीडियो आप सभी ने देखी ना आज, वो थोड़ी थोड़ी करके 3-4 दिनों की थी, तबीयत ठीक नहीं थी तो पड़ा था वो वीडियो, तो मैंने सोचा एडिट करके इसी को डाल देती हूँ। आज मेरे पास कोई वीडियो है नहीं, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ आप सभी के साथ मेरा दोपहर का रूटीन शेयर करूँ। लेकिन देखती हूँ तबीयत ठीक हो जाएगी जैसे, वैसे ही दोपहर का रूटीन मैं शेयर करूँगी और आप सभी के साथ शेयर करूँगी। जब रिकॉर्ड करूँगी वीडियो तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और इसी के साथ आप सभी को मिलती हूँ कल की वीडियो में। नमस्कार।